कृषि बिल कानून के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का असर अब सभी जगह तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को ग्वालियर में अखिल भारतीय किसान सभा ने कृषि कानून के विरोध में रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। किसानों ने एकजुट होकर रेलवे स्टेशन में घुसकर रेल रोकने की कोशिश की, लेकिन भारी संख्या में मौजूद रेलवे पुलिस ने किसानों को गेट पर ही रोक दिया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून के खिलाफ अब देश भर में आंदोलन तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किसान सड़क पर उतर आए। कृषि कानून से नाराज किसानों ने अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में रेल रोकने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस जवानों ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं का कहना है कि 2 सप्ताह से अधिक समय से दिल्ली बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और यही कारण है कि हम लोग उनका समर्थन अपने स्तर पर कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि तीनों कानून वापस लिए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 1967 में गठित किए गए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जानी चाहिए। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य ये है कि 14 दिन से ज़्यादा किसान अपने मांगों को लेकर सड़कों पर है, लेकिन ये सरकार कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि 1967 में जो स्वामीनाथन आयोग बना था, उसकी सिफारिशों के अनुसार किसानों खेती के विकास के लिए काम करना था, लेकिन जो मोदी की सरकार ने 2014 से पहले जो किसानों के बीच में वादा किया था, उस वादे के मुताबिक जे अपने वादों पर खरी नहीं उतर रही। और आज जो हमें जुमला पहनाया जा रहा है कि हम किसानों के हितों में कानून ले आए, लेकिन ये सब किसानों के साथ जो धोखाधड़ी है, जो छल कपट है, जे साफ जाहिर हो चुका है, जे कानूनी जो प्रावधान है, इन प्रावधानों में किसानों को अपनी ज़मीन पर ही गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा गया है। और तो और किसानों की गाढ़ी मेहनत से जो फसल उगाते हैं, उस फसल को भी जो मूल्य मिलना चाहिए, उस मूल्य से भी वंचित किया जा रहा है। तो जे कुल मिला के बात यह है कि बाज़ारों पर और फसलों पर जो नियंत्रण पूंजीपतियों का होता जा रहा है, करने का जो षड्यंत्र रचा गया, इस बात को किसान अच्छी तरह समझ चुके हैं। और अब किसान इस भली बात जानता है कि किसी भी कीमत पर, जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाएंगे, तब तक किसी कीमत पर किसान संघर्षों के मैदानों से नहीं हट सकता है। ये तय बात है कि अब जीवन मरण का प्रश्न है, हमारे किसानों का अस्तित्व का प्रश्न है। हम अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी जान देने के लिए अब तैयार हैं। चाहे मोदी सरकार कुछ भी कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या नाम है आपका? रामकिशन सिंह कुशवाहा, मध्य प्रदेश किसान सभा के जिला महासचिव। गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए कानून के खिलाफ पिछले 18 दिनों से पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई हल नहीं निकला है। वहीं अब किसान आंदोलन की आग धीरे धीरे देश भर में फैलती जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि अपने आप को किसान हितैषी बताने वाली मोदी सरकार नाराज किसानों को किस तरह शांत कर पाती है। ग्वालियर से सनी गांगुली की रिपोर्ट।